जो बंदी है वो अलग है, वो सोशल मीडिया पे नहीं है, वो पंजाब की है और पंजाब में ही मैं रहती। जिसके भी साथ आई हूँ 7 साल हो गए। तो गाइस जहाँ एलविश यादव ने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बोल रहे थे कि वो पंजाब से है, सारी चीजें बता रहे थे, जिसपे काफी ज्यादा हेट कीर्ति मेहरा को मिल रहा था, तो उसी के रिप्लाई में कुछ एलविश यादव को उन्होंने अब बहुत बड़ा कुछ कह दिया है। तो मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। पहले डाउट क्लियर करना था कि मैंने इंटरव्यू में पहले ही क्लियर कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, ना मुझे पता कि किसके लिए है। सात कितने हैं, 2016 या 17 में मैंने अपना ये वाला करियर चालू किया था और 2019 में मैंने अपना चैनल बनाया था। इंडस्ट्री में आए हुए चाहे मैं जिसके भी साथ आई हूँ 7 साल हो गए, तो ऐसा नहीं है कि मैं अभी एकदम से उठ के आ गई कहीं से, नहीं, मेहनत करी है। उसका क्रेडिट इतना पहले नहीं मिला था, अभी मुझे नहीं पता, जिस भी रीज़न से मिल रहा हो कोई बात नहीं। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला है, ना मैंने किसी को कुछ बुरा बोला, ना मैंने, बल्कि मैंने अच्छा ही बोला है, बुरा तो कुछ बोला ही नहीं। तो एक बार जब कमेंट सेक्शन में आते हो ना, थोड़ा सोच के पूरा सोशल मीडिया, पूरा यूट्यूब पे सर्च करके कि क्या वीडियो थी, क्या नहीं थी, क्या बोला क्या नहीं बोला, उसको सोचना और फिर बोलना। कमेंट तो भर दिया आपने, बढ़िया, पर एक बार वीडियो पे जाके देखोगे ना तो देखोगे कि मैं तो पहले ही बोल चुकी थी कि मुझे नहीं पता। रियल रहा तो भगवान की दया से और आप लोगों की दया से मैं जीत गया। तो गाइस क्या बिग बॉस स्क्रिप्टेड है? पर एलविश यादव ने उसका रिप्लाई दिया है। काफी सारी कंट्रोवर्सी भी थी कि बिग बॉस पूरा स्क्रिप्टेड है, आप वीडियो देख लीजिए। छोटे से एक्सपीरियंस था काफी अनरियल की ये सब क्या होता है रियलिटी शोज में, बट एक चीज है भाई, कोई स्क्रिप्टेड नहीं, कुछ नहीं, सारा एकदम रॉ जो तुम अंदर से हो। इस शो का मतलब ये था कि अगर तुम रियल रहे तो ही जीत सकते हो, और मैं रियल रहा तो भगवान की दया से और आप लोगों की दया से मैं जीत गया। और जिसके पास भाई ऐसे पिलर्स हो वो फिर